हाथ उठाएंगे और हाथ उठाकर क्या बोलना है
आपको क्या बोलना है, प्यार से बोलो क्या बोलना है, आप प्यार से बोलेंगे सर को आगे डाले बोलो वृंदावन बामन देव बनाया है, किसको बामन देव बनाया, बामन भगवान किसको बनाया, किस बच्चे को बना दो, किस छोटे बच्चे को, एक छत्री और एक कमंडल भगवान ने देख जाओ तो देखो कोई छोटा बच्चा होगा, जाओ देखना वो बन रहे हैं। देखो और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तुम्हारे किसी बच्चे को बना स्कूल बना छत्री पकड़ा जाएगा ना, तुम्हारे बेटे के छत्री पकड़वा देना हो जाएगा ठीक ठीक है बना दो, उसको धोती पहना दो और उसके पगड़ी बना दो और छत्री कमंडल आधा घंटा बाद में लाना, आधा घंटा बाद हो गया। ओम ज्ञानतिमिरांधस्स ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक हाथ उठाकर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ एवं श्रील वंशीवदन प्रभु अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग गत कल्य श्रवण कर रहे थे सनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न की थी। उसमें जो दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है, जिसका उत्तर में श्री सुतो गोस्वामी बोले एतत् निर्विद्यमानानं इच्छताम् अकोतभयं योगिनां नृपनिर्णित हरे नामानुकीर्तनम्। बोले जितने वेद पुराण उपनिषद यहाँ तक भी जितने मुक्त महापुरुष हुए सबके सब एक ही बात बताए कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर है परा। क्योंकि भगवान को पता था कलिजुग का जीव और कोई साधन कर ही नहीं सकता कलिजुग में। सत्ययुग का धर्म था ध्यान और तपस्या था। अब सुने होंगे वाल्मीकि ने उनका नाम वाल्मीकि क्यों नाम पड़ा, उन्होंने ऐसे भगवान का नाम जप किया जब करते करते सारा दीमक शरीर दीमक चाट लिया, पूरा दीमक चाट लिया उनका पूरा शरीर को, लेकिन वो अंदर से नाम आ रहा था श्री राम श्री राम श्री राम। क्योंकि सत्य युग में प्राण होता था मज्जा को अंदर में, और कलि युग में प्राण किस में है, अन्न में। देखो एक दिन कोई व्रत रखो, अगर बोले ना भैया ये काम को करो, हम क्या बोले आज हमने व्रत रखा है, मतलब एक दिन भी बिना खाए एक दिन भी रह नहीं सकते हो। जब तक अंदर में रोटी सब्जी डालोगे तब तक ही शरीर तुम्हारी काम करेगी। और मन इतना चंचल है, हैं? कोई कोई बोलते ना ये ध्यान शिविर खुला है, एकदम झूठ है। कलयुग में ध्यान है ही नहीं। स्वयं द्वापर युग में कृष्ण स्वयं अर्जुन कहता है चंचल ही मन कृष्ण प्रमाद ही बलवत दृढ़, अर्जुन कह रहा है। आप और हमारी बात छोड़ दो, ये मन इतना चंचल है हम पाई को बंद करके रख सकते लेकिन मन को नहीं, इतना मन कलयुग में चंचल है। इसलिए भगवान देखा ये ध्यान नहीं कर सकते। त्रेता युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए 4-5 चीज की जरूरत है। पहला नंबर है जो यज्ञ करेगा वो ब्राह्मण शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध मंत्र उच्चारण होनी चाहिए। हाँ, भागवत में बताए अगर मंत्र थोड़ी सी अगर इधर उधर हो गया, थोड़ी सी मंत्र उच्चारण में आप जो काम के लिए कर रहे हो ना पूरा उसका उल्टा क्रिया होगा। वो मंत्र पढ़ रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्य, हैं कहते इंद्र का जो शत्रु बढ़े लेकिन वो उल्टा बल हो गया, हर्षो दीर्घ दीर्घ हर्षो हो गया। वो जो काम के लिए यज्ञ कर रहे थे ना उसका पूरा उल्टा फल हो गया। अगर कलयुग में मंत्र अगर और कलयुग में ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ते ही नहीं है, फिर जिस मुंह से मंत्र उच्चारण करेंगे वो बीड़ी फूंक रहे,
गुटका खा रहे हैं, ये मुंह से मंत्र नहीं निकलता है, वो अपवित्र होता है। तीसरी चीज है प्रलोभी, किसको यज्ञ कर ले बताओ, सबसे पहले बताए कितना पैसा मिला दोगे। अगर पैसा की बात पहले बोल दिया ना, समझो यज्ञ का फल ही तुम्हारी खत्म है, वो यज्ञ का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर एक घी, कुछ दिन पहले पकड़े गए थे अलीगढ़ में, घी बना रहे थे, जानते हो कैसे घी बना रहे थे, हड्डी को गला करके उसमें सेंट डाल करके घी बन रहा था, वो घी का कोई प्रश्न ही नहीं था उसमें। और देखो देवता को अगर ये वस्तु दोगे, देवता स्वीकार कैसे करेंगे, स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। फिर हवन सामग्री, हमने कहीं का प्रचार के लिए गए थे, देखा जो लकड़ी की बुरादा में जो गाड़ी का बचा हुआ तेल को मिला मिला करके बना रहे थे हवन सामग्री, ये देवता को दोगे, देवता कभी स्वीकार करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। फिर एक यज्ञ करने के लिए कितने हजार रुपया चाहिए, बोल पैसा कहां से लाएं। पहले एक व्यक्ति काम करता था परिवार खाते थे, अभी पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करता है, बेटा भी करती है, बहू भी करती है, घर में पूरी नहीं पड़ती है। इसलिए देखा ये कलयुग में ये असंभव है, द्वापर युग में था अर्चन, अभी भगवान को अर्चन करने के लिए पंचामृत लाओ है, फिर धूप दीप अगुर कर्पूर चंदन, फिर सोरस उपचार में सेवा करो। भगवान ने देखा कलयुग में कहां से ये सब लाएंगे, हाँ इसलिए भगवान बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में क्या करो भगवान का नाम, हाथों में काम और मुंह में नाम। लेकिन श्री महाप्रभु बड़े दुखी होकर के एक बात को कह रहे हैं, देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु कहते हैं भगवान की हरी कथा अनंत है, फिर भगवान की अनंत नाम है ठाकुर जी की, फिर कलयुग में उन्होंने सारे शक्ति उन्होंने नाम में दे दिया है, इसलिए बोले हरी से बड़ा हरी का नाम है। फिर नियमित स्मरण न काल उन्होंने ये भी नहीं बताया, जब केवल आप पवित्र हो तभी नाम कर सकते हो, अपवित्र अवस्था में नाम नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी नहीं बताया, किसी अवस्था में भी नाम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं मैंने इतना कुछ सुविधा दे दिया, लेकिन तब भी ये कलयुग का जीव हरिनाम नहीं कर रहे, तभी ये हरिनाम नहीं कर रहे, बैठ करके भले ही दो बात कर लेंगे इधर उधर की, टीवी देख लेंगे, बोले थोड़ा हरिमाला जप करो, बोले पास में समय नहीं, पास में सारे काम के लिए समय निकालेंगे लेकिन नाम के लिए। इसलिए महाप्रभु बड़े दुखी होकर कहते हैं बोले भैया ये कलयुग जीव का कल्याण फिर कैसे होगा, इनके कल्याण कैसे होगा। महाप्रभु कहते हैं अगर ये कलयुग में इतना सरल उपाय मैंने रख दिया, अगर तुमने हरिनाम नहीं की फिर करोड़ों जन्म में तुम्हारी मुक्ति होने का कोई चांस नहीं, इसलिए जितने जल्दी पारो क्या करो भगवान की नाम को जप करो। एक बार हाथ उठा कर बोला बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती भी उसी समय अपना शरीर को त्याग दी, पांडव लोग भी ये दुनिया को त्याग दी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने हस्तिनापुर का राज सिंहासन में अभिषेक करके चले गए। एक दिन परीक्षित महाराज बड़ा अनहोनी सा देख रहे थे, बोले मेरे देश में क्या अनहोनी हो रहा है। उन्होंने चतुरंगिणी सन्नी को सजा करके ले करके चल पड़ी, उन्होंने प्राची नदी को किनारा में एक आश्चर्य घटना देखा, बोले क्या देखा, बोले एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही, देखा एक बैल का
उसका तीन प्यार नहीं, वो एक प्यार में खड़ा हुआ। और एक शूद्र राजा वो एक प्यार को मार मार कर उसको तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था, और वो बैल मूत्र और विष्ठा को विसर्जन कर रहा था। इसको देख करके परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने म्यान से तलवार निकाली झपट बड़े मारने के लिए। बोले तू है कौन, इतने अत्याचार क्यों कर रहे हो? उसको पता है ये अर्जुन का वंशधर, ये शरणागति व्यक्ति को कभी मारते नहीं। इन्होंने सिद्धार्थ के चरण में गिर पड़े। बोले ये बताओ ये गैया कौन है? बोले ये पृथ्वी है। बोले क्यों रो रही है? बोले कृष्ण ये दुनिया छोड़ करके चले गए, अभी ये कलयुग आ जाएगा और कलयुग में लोग बड़ी पाप कर्म करेंगे, अभी ये पाप को हम सहन कैसे करें, इसलिए ये रो रही है। बोले तुम कौन हो, तुमको ये व्यक्ति इतने दुख कष्ट क्यों दे रहा है? बोले क्या बताऊं मैं किस किस का दोष दूं, जीव अपना कर्म का फल भोग कर रहा है, मैं किसका दोष नहीं दे सकता हूं। इससे पता चला ये धर्म है, जो धर्म है ना वो कभी भी किसी की दोष नहीं देता है। जो जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप जीव को फल मिलता है, कोई किसी को कभी दुख कष्ट देता ही नहीं। हम जैसे बीज बोएंगे वहां पर वैसे ही वृक्ष निकलेगा। वो समझ गए ये धर्म है, क्यों जो धर्म है ना वो कभी किसकी चुगली नहीं करता है, वो कभी किसकी चुगली नहीं करता है। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो, कैसे चुगली करने वाला का क्या क्या बुरा हाल है, जैसे कभी किसी की चुगली मत करो। बल्कि एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा लेने के लिए पहुंचा। राजा ने कहा काम करके खा नहीं सकता, भीख मांगने के लिए आ गया। उसने घोड़े का जो लीड है ना, जो बिष्टा है, उसको झोली में दे दिया। वो संत लेकर के चला गया। एक दिन राजा घूमते घूमते वो जंगल में पहुंचा जहां पर वो संत रहते थे। उन्होंने देखा घोड़े का लीड, पर्वत रूप में घोड़े का लीड। बोले भैया इतने घोड़े का लीड कहां से आ गया? देखा वो संत बैठ करके भजन कर रहे। बोले बाबा ये घोड़े का लीड पर्वत आकार से कहां से आ गया? बोले महाराज आपकी याद होगा कभी आपका दरबार में मैंने भिक्षा लेने के लिए गया था। बोले हाँ। बोले आप मेरे को भिक्षा में क्या दिया था याद है आपको? आपने घोड़े का लीड दिया था ना? बोले हाँ। बोले जब किसी शुद्ध संत को कोई भी चीज दोगे ना वो राम बाण जैसे बढ़ता रहता है। कल मैंने बताया था ना राम का बाण कैसे, जब भगवान राम पकड़ते हैं धनुष को वो एक गुना होता है, जब निकालते हैं वो दस होता है, जब चढ़ाते हैं हजार होता है, जब खींचते हैं वो लाख होता है, और जब छोड़ते हैं होता है करोड़, और जो प्रहार करता है प्राण को ले लेता है। इसलिए अगर किसी संतों को कोई चीज दोगे ना कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। अपने लीड दिया था ना? बोले हाँ। बोले एक दिन ये लीड बढ़ते बढ़ते इतना बनेगा तेरे देश में लीड के सिवाय और कुछ रही नहीं जाएगा। बोले हे भगवान बड़ी गड़बड़ी मैंने कर दी। उन्होंने चरण में गिर पड़े। बोले बताओ ये पाप कैसे दूर होएगा, कैसे लीड खत्म होएगा? बोले हो सकती है अगर तुम्हारे राज्य का लोग तुम्हारी चुगली करें। बोले चुगली करेंगे कैसे? बोले एक काम करो, तेरी एक बेटी है ना? बोले हाँ। बोले तू अपना बेटी को लेकर के तुम्हारे सामने जो बगीचा में अकेला एक कुटिया बना करके रहो, फिर दुनिया के लोग तेरी चुगली करेंगे, देखो ये राजा क्या कर रहा है। अभी घर घर में चुगली होगी, सचमुच से उसने ऐसे किया तो पूरा राज्य में उसकी चुगली, देखो ये दुष्ट राजा अपनी जवानी बेटी को लेकर के अकेले में देखो कैसे बगीचा में कैसे रहता है, पूरा घर घर में चुगली। एक दिन राजा वापस आए आश्रम में, देखा सचमुच से वो लीड खत्म हो गया, लेकिन एक टोकरी केवल बाकी है। बोले बाबा एक टोकरी बाकी कैसे रह गया? बोले देख तेरे राज्य में सबके सब तक तेरे चुगली तक किया है, लेकिन एक बूढ़ी माता जी वो कभी किसकी चुगली नहीं करती है। वो दिन रात मेरे तरफ में देखो, दिन रात ये माला लेकर के भगवान की भक्ति करती है, वो कभी किसी की चुगली नहीं करती, उसकी हिस्सा की बाकी रह गया। अगर वो चुगली करेगी ना फिर तुम्हारी वो खत्म हो जाएगा, अगर वो चुगली नहीं करेगी फिर वो एक टोकरी जो बच गया ना उसको तेरे को खाना पड़ेगा, किसी तरह से उससे तुम चुगली करवाओ। अभी राजा अपना बेस बदला करके वहां पर पहुंचे,
देखा सचमुच से वो माता जी माला लेकर के एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 और एक बार बोलो आप बोलो मैं सुनूंगा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी वो भजन कर रही थी, अभी राजा तो वेश बदला करके गए, उससे चुगली करवाना चाह रहे थे। इतने राजा ने कहा माताजी तेने सुना है ये राजा क्या कर रहा है। इतना बोलते ही वो बुरी माताजी तो भड़क गई, ले दुष्ट राजा मैं अपना भजन प्रभाव से सब कुछ जानती हूँ। वो संत तेरे दरबार में भिक्षा लेने आए थे ना, तुमने घोड़े का लीड दिया और जो एक टोकरी वो लीड़ी बचा हुआ ना तेरे को खाना ही पड़ेगा। मैं किसी की कभी चुगली नहीं करती हूँ, दिन रात में भगवान की भक्ति करती हूँ, तेरे को खाना पड़ेगा। राजा तो चौंक गए, राजा वहां चौंक गए राजा। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, जब हम किसी व्यक्ति की चुगली करते हैं तो उसकी जितने सारे पाप है ना वो सारे पाप चुगली करने वालों के ऊपर आ जाएगा। इसलिए कभी भी कभी किसकी चुगली नहीं करना। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं काहर ना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारीबे कहले। मतलब है भगवान को अगर पाना चाहते हो बोले सबसे सरल उपाय क्या है, बोले कार्य ना करे निंदा, जो कभी किसकी बुराई कभी नहीं करता है और हर समय क्या करता है कृष्ण कृष्ण बोले, हर समय भगवान के नाम जप करते हैं। जो भगवान अजीत है बोले जिनको पाना बहुत कठिन है वो भी तुम्हारी प्रेम में बसीभूत हो जाएगी। इसलिए कभी किसकी चुगली नहीं करनी चाहिए, करोगे ना सारे पाप तुम्हारी पर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज समझ गए ये कौन है, ये साक्षात धर्म स्वरूप है, धर्म कभी किसकी चुगली नहीं करता है। इतने में श्री परीक्षित महाराज ने कहा देखो तुम मेरे राज्य से चले जाओ। बोले प्रभु संपूर्ण पृथ्वी में तुम्हारी राजत्व है, वो एक चक्रवर्ती राजा थे, अभी मैं जाऊं कहा, जब सत्य त्रेतया द्वापर तीन जू को आप स्थान दे दिया, अभी मुझे भी कृपा करके स्थान दो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं स्थान दूं कि नहीं दूं, देने से क्या हानि नहीं देने से क्या नुकसान है। उनने बहुत सोचे, बोले यद्यपि कलियुग में बड़ा पाप कर्म होंगे लेकिन कलियुग में एक बहुत बड़ा धर्म भी है। बोले कलियुग में क्या धर्म है, बोले कली युग के बलना मा आधारा, कली युग के बलना मा आधारा, सुमिरे सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरी नर उतरहि पारा, कली युग के बलना
लिखा कली युग में थोड़ी सी हरि कीर्तन करने पर जीव का कल्याण हो जाए, इसलिए उन्होंने कली युग का स्थान दे दिया। लेकिन कली युग को कहां कहां पर स्थान दिया, बोले कली को उन्होंने चार चार जगह पर स्थान दिया। कितने जगह पर स्थान दिया? अगर कली युग में केवल चार नियमों का पालन करो और थोड़ी सी हरि कीर्तन करना, बस तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। केवल चार नियम पालन करना, देखो ध्यान देख लो सुनो, कल सबको मैं पूछूंगा कलयुग कली को उन्होंने कहां चार जगह पर स्थान दिया। जैसे आपको कोई कठिन बीमारी है, आप कोई बढ़िया डॉक्टर के पास में गए, सचमुच से डॉक्टर अच्छा आदमी है, आपको बीमारी सही करना चाहता है, बोलेगा देख बेटा तेरे को तो बढ़िया दवा दूंगा, लेकिन अगर परहेज को साथ में दवा लोगे ना, फिर जल्दी से जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। अगर बगैर परहेज का अगर जिंदगी भर दवा लोगे ना, फिर तो तुम्हारी बीमारी सही होने वाले नहीं। कहते भैया दवा क्या है, बोले दवा है भगवान का नाम। कलयुग में मीठी दवा भगवान का नाम। बोले चार ही परहेज है, बोले पहला नियम क्या है, बोले जुआ मत खेला करो। धर्म का पहला चरण है सत्य। अब देखना जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं ना, वो कभी सच नहीं बोलते हैं, झूठ मूठ का इससे पैसा उससे पैसा उससे पैसा लगा लेकर के जुआ खेल कर सब हार जाएगा हैं? और कभी सच नहीं बोलेगा, इसको पास में एक बोले कल ही तेरे पैसा दे दूंगा, कल ही तेरे को पैसा दे दूंगा, बहुत जरूरी काम है, जरूरी नहीं जुआ खेलना है, फिर पैसा तुम्हें नहीं देगा। इसलिए जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोलते, इसलिए धर्म का पहला चरण सत्य उसमें नष्ट हो जाती है। दूसरा है पानम। पानम मतलब किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लो, हैं? धर्म का दूसरा चरण है तपस्या। जो नस्ली वस्तु ग्रहण करते हैं वो कभी तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए नस्ली वस्तु में जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटका शराब ये सब नस्ली वस्तु है, इसलिए ये वस्तुओं ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए संतों का कहना है जो शराब पीते है ना उसको तीन लाभ है। कितना लाभ है जानते हो? तीन लाभ क्या? पहला लाभ जो शराब पीने वाले व्यक्ति को बूढ़ा कभी नहीं होगा। दूसरा लाभ क्या? उसके घर में चोरी नहीं होगी। तीसरा लाभ क्या? बोले कुत्ते उसके दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या? बोले मतलब है पहला नंबर वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा वो तभी तो बूढ़ा रहेगा, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म। इसलिए मैं रशिया में प्रचार के लिए जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ लड़की लड़कियां हैं, वो बूढ़ा ज्यादा नहीं। मैंने पूछा भैया इतने लड़कियां पर क्यों है, इतने लड़की किस लिए है और सब बूढ़े कहाँ गए? बोले बाबा ये ना बचपन से शराब पीना शुरू करते हैं और पी पी कर अंत खत्म और बस कैंसर फैंसर होकर के जवानी में खत्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा बूढ़े नहीं। बोले दूसरा लाभ क्या? बोले घर में चोरी नहीं होगी। बताओ चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो सब गहना पहना सब बेच बाच करके पी पा करके खत्म कर देगा, पर उसको चोरी कहाँ से होगी? इसलिए तीसरा लाभ क्या? बोले कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे। कुछ दिन पहले का वीडियो आया था, आप देखे होंगे यूट्यूब में, एक व्यक्ति कैसे शराब पी करके बेहोश होकर पड़ा हुआ, एक कुत्ता आकर कैसे बुरी तरह से उसका मुंह को चाट रहा है। आप देखे होंगे, कोई कोई देखे हो, मेरे पास में वीडियो है, आपको कभी दिखा दूंगा। इसलिए कैसे बेहोश होकर पड़ा हुआ, कैसे मुंह चाट रहे थे, इसलिए कुत्ते उनका दोस्त बन जाएंगे। इसलिए ये सब चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए पंचम स्कंध में बताया जो व्यक्ति शराब पीते हैं मरने का बाद लोहे गला करके उसको मुंह में डालते हैं, बोले भगवान तेरे को ये मुंह दिया था किस लिए? शराब पीने के लिए नहीं, भगवान का नाम जप करने के लिए दिया था, तुमने शराब पी है। इसलिए नशीली वस्तु मत लो, हाँ नशा हो, एक ही नशा हो जीवन में, भगवान की भक्ति की नशा, भगवान की प्रेम की नशा हो। हाँ और एक चीज है, मुझे लगता है आप लोग ये सब चीजों कोई नहीं लेते हो, लेकिन आप लोग एक चीज लेते हो, जानते हो क्या? चाय। ये चाय भी नहीं पीनी चाहिए। हाँ ध्यान देकर सुनो, चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें एक निकोटीन हाँ कफिन डालते हैं। अब देखो जैसे शराब पी, शराब पीने का समय आए, अगर मत पिए पता है क्या होता है, उसको घबराहट होती है, जब तक वो शराब नहीं पीता बेचैन सा रहेगा। आप देखना जो चाय पीते हो, आप चाय पीने का समय आए
अब चाय मत पियो, बताओ क्या होगा, आप लोग ही बताओ क्या होता है, बताओ सर दर्द होता कि नहीं, क्योंकि उसमें निकोटिन कैफीन डाले हैं, वो जहर है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे एक कप चाय सवेरे पी लो दोपहर तक चिंता नहीं, बताओ इतनी सी चाय से कहीं पेट भरती है, वो चाय तुमने नहीं पी, जहर घोट करके तुमने पी ली, और तुम्हारी जो भूख थी ना वो भूख को तुमने खत्म कर दिया, तुमने हैं भूख लग रहा, रोटी खाओ सब्जी खाओ, कितने तरह का खाने के लिए थोड़ी जहर पी करके भूख को मार दो। हाँ देखो, पहले हमारे भारत में कोई चाय नहीं पीते, ये अंग्रेजियों ने ये अपना बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले जो बड़े पुराने लोग आएंगे ना उनको पता है, वो चौराहा पर चाय बनाया करते थे, फ्री में देते थे, बोले देखो वही लोग पिया करो जिसका उम्र 50 से ज्यादा हो गया, वो खुद बोलते थे 50 साल से जिनको ज्यादा उम्र वही पिया करो। और पहले वो क्या बोलते थे, जो एक कप चाय पिएगा ना उसको एक रुपया मिलेगा। हम इतने बेकूफ बने, बोले एक कप चाय और एक रुपया मिलेगा, लो भैया एक कप चाय पी ली। कुछ दिन बाद में बोले नहीं 75 पैसा 75 पैसा मिलेगा, बोले एक कप चाय 75 पैसा, बोले दो फ्री में फिर पैसा। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले दो कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में भैया कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, फ्री में मिलेगा। लेकिन वो पी पी करके जहर को हमने अपना स्वभाव को हमने खराब कर चुके हैं। पियो कुछ दिन बाद में बोले देखो 25 पैसा उल्टा देना पड़ेगा, बोले लो 25 पैसा, बोले 50 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो, बोले 75 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो, बोले 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो अभी कितना रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया दो, फकड़ का 10 रुपया ले लिया, और इतनी से चाय देकर हम बेकूफ बनाते, हम मूर्ख बने। अरे 10 रुपया का दूध पियो ना, 10 रुपया का दही खाओ ना, 10 रुपया का फल खाओ ना जो हेल्थ के लिए अच्छे है। ये जहर पी करके अपना जीवन को बर्बाद क्यों करना, ठीक है ना। क्या पियोगे, दूध पीना, दही खाओ, फल खाओ, चाओ चाय मत पिया करो, ठीक है ना। हाँ देखो, और एक चीज देखो, आप लोगों ने रामदेव बाबा का योगा देखे हो, कौन कौन देखे बताओ, हमारी जो योगा क्या कहता है, खाली पेट में चाय पीनी चाहिए ना खाली पेट में पानी पीनी चाहिए, आप बताओ, पानी योगा ही बोलता है ना। मुंह में जो एक लाल निकलता है वो योगा कहता है, सवेरे मुंह को धो करके पानी मत फेंका करो, वो पानी पी करके अंदर में पियो, सवेरे मुंह धोने से पहले पानी उसको अंदर में लो, बाहर फेंकना नहीं, उसमें जो कि लाल मलता है बहुत सा दबा उसको अंदर में, उसको पियोगे तो शरीर का सारे बीमारी सही होगा, ये कहता है हमारा शास्त्र। शास्त्र ये नहीं कहता सवेरे उठ करके चाय 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 चाय, भगवान का नाम नहीं चाय 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 चाय, भगवान का नाम का जप करनी चाहिए है, बोले चाय चाय, कोशिश करना ये चीज को छोड़ने के लिए, छोड़ करके अच्छे चीज लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी बच्चा, इसलिए कति ये धर्म का दूसरा चरण है, बोले तीसरा चरण क्या है, बोले पाप का, बोले स्त्रियम, स्त्रियम का मतलब है बोले स्त्रियों में कलियों का निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्रियों में, बोले जो अवैध रूप में जो स्त्रियां पुरुष से मिलते हैं, जो पुरुष स्त्रियों में मिलते हैं, कहते वहां पर कली का स्थान है, पाप का स्थान, कहते वहां पर कभी ये पवित्रता नष्ट हो जाता है, इसलिए संसार करो अच्छी बात है, लेकिन धर्म को साथ में अपना पत्नी को साथ में शादी करके अपना घर गृहस्थी बनाओ, ऐसे नहीं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो। मतलब ये कलियुग इतना कली का प्रभाव है, हैं इतने कली का प्रभाव है, इसके डाइवोर्स पाइपोसिटी होता है, जो लड़की शादी से पहले इतने सारे लड़कों के साथ में घूमेगी, जो लड़का शादी से पहले इतने लड़कियों को साथ में घूमेगी, उसको संसार कभी बैठ सकती है, बताओ डाइवोर्स क्यों होता है, यही कारण है शादी से पहले अपना जीवन को बिगाड़ करके आए, इसलिए शादी नहीं टिकती है। लेकिन अब अगर राजस्थानी लोगों को देख करके मैं बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि अभी भी स्त्रियां देखो घूंघट लगा कर बैठी है, हाँ ये पर्दा लगा, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हम क्या सोचते हैं जानते हो, शायद अंग्रेजियों का जितने शिक्षा है, हैं जैसे रसिया नाम सुने हो,
रसिया में लड़कियां सरकार से लड़ाई कर रहे, बोले क्या जानते हो क्या लड़ाई कर रहे, बोले हम साड़ी पहन करके क्यों कॉलेज नहीं जाए, वो सरकार से लड़ रहे हैं, हम साड़ी पहन करके क्यों नहीं जाए, लेकिन हमारी लड़कियां बोले जीन्स पहन करके हम क्यों कॉलेज नहीं जाए, ये लड़ाई कर रहे हैं, हम जीन्स निकर पहन करके हम ये सोचते हैं शायद जितने कपड़े शरीर में नहीं रखे ना पूरा ही कपड़े नहीं रखे तो बढ़िया है, थोड़ी सी कपड़े क्यों पूरा कपड़ा को उतार कर घूमे, नहीं ये हमारी संस्कृति नहीं, लेकिन हम सोचते हैं शायद इसी में ही ज्यादा आनंद है। वृंदावन में आए हो, कौन कौन वृंदावन में आए, वहां पर देखना अंग्रेजी मंदिर में जाना, देखना लड़कियों को देखना कैसे सर पर कपड़ा ढककर रखती है, कैसे गले में कंठी माला कैसे पहनती है, भगवान की भक्ति कैसे कर तिलक लगाती है, गले में तुलसी कंठी है, है? हम तो नाम मात्र के केवल हिंदू रह गए, हमें पूछो कोई गीता का एक श्लोक बोलो, कोई बोल सकता हो गीता का कोई श्लोक को, लेकिन पूछो कौन हीरो का नाम क्या, कौन हीरोइन का नाम, सारे याद है, सारी गंदी गंदी चीज को हमने याद करके रखा, लेकिन कोई गीता की कोई श्लोक हमें याद नहीं, मतलब इतने दुर्भाग्य हमारी है। मैं पहले बता रहा था ना, मैं गया था जयपुर में कथा करने के लिए, मैं आ रहा था देखा एक बच्चा 5 साल का छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था, मैंने उसको पूछा भैया तेरा नाम क्या है, वो मुसलमान नाम बताया, समझ गया ये मुसलमान है, मैंने कहा बेटा ये बताओ तुमको कुरान याद है, वो छाती फुला कर कहता है हाँ हमें कुरान याद है, मैंने कहा बताओ तो कुरान, उसने झटाझट सारे कुरान बोलना शुरू कर दिया, मैंने पूछा ये बताओ तुम्हारे धर्म में कितने उम्र में ये कुरान को पढ़ाया जाता है, बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी उसको 2 साल उम्र में उसको कंपलसरी कुरान उसको पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी, लेकिन हमें हमारे हिंदू धर्म में पूछो गीता पढ़ते हो, कोई गीता पढ़ते हो, घर में जितने गंदी गंदी पिक्चर गंदी गंदी उल्टा पुल्टा पुस्तक पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन घर में गीता नहीं मिलेगी, अगर गीता भागवत मिलेगा ना उसको बांध करके उसको ऊपर लटका करके रखा होगा, उसको ऊपर लटका करके रखे होंगे, हैं? इसलिए मैंने पहले बता रहा था ना, इसने आकर के हमारे बड़े गुरुजी को बताया, बोले गुरुजी बेटा बात नहीं सुनता है, गुरुजी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं, बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा, बच्चे को जो रामायण नहीं पढ़ेगा उसको यही परिणाम होगा, अगर तू रामायण पढ़ता पढ़ाता ना बच्चे को, उसमें लिखा हुआ प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूते थे, गुरुजन की चरण छूते थे, रामायण कौन कौन देखे हो, टीवी में रामायण कौन कौन देखे हो, अब देखे होंगे, देखना जब दशरथ महाराज विश्राम करते ही भगवान राम पिताजी की चरण की सेवा करते हैं, हाँ? अभी आप लोग बताओ तो कौन आप लोगों के अंदर में ऐसे कौन सा व्यक्ति जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते है, हाथ उठाओ कौन सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छूते हो, बोलो कौन छूते हो, कोई नहीं, देखो हम पहले बताए ना इंडोनेशिया में मुसलमान कंट्री में है मुसलमान कंट्री, देखो एक बच्चे हाथ उठाते अच्छी बात है, इसलिए कहते मुसलमान कंट्री में वो लोग हमारे रामायण को यहाँ से संतों को बुला करके ले जाते हैं, बोलते आप मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे, वो यहाँ से बुला करके लेते हैं मुसलमान लोग, बोले बाबा हमें रामायण कथा सुनाओ, बोले क्यों, बोले हमारी बच्चे संस्कार बने, स्त्री अपना इज्जत को रखा करे, क्यों स्त्री अपना सतीत्व को रखा करे, इसलिए भगवान राम अपना पत्नी सीता को उन्होंने त्याग दे दिया, बोले क्यों भविष्य में स्त्रियां सती बन करके रहे, एक धोबीनी कहीं बाहर गई थी आते समय मजबूर में एक रात एक केवट घर में कहीं रुक गई, दूसरे दिन आई तो पूछा दूसरी रात में कहां रही, बोले ऐसे ऐसे बात, बोले वहीं पर जीवन बिता, घर में तुम्हें घुसने नहीं देते, क्यों भगवान ये लीला की, कारण क्या, बोले कारण है ये स्त्रियों को सतीत्व को रक्षा करने के लिए, लेकिन अभी रात 9 बजे बेटी इधर जा रही स्कूटी लेकर के, बेटा उधर जा रहे और पति इधर जा रहे, नहीं ये सब नियम नहीं है, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाओ, लेकिन हम क्या करते हैं स्मार्टफोन पकड़वा दिया,
दस दस बीस बीस हजार की स्मार्टफोन हमने पकड़ा दिया बच्चे को, लेकिन बच्चे को ये नहीं बताया बेटा तू एक माला कर। पांच मिनट लगेगा ना पांच एक माला करने के लिए। बच्चे को बोलो ना बेटा एक माला करो। देखो घर में नियम बनाओ, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो, अगर जीवन में आनंद पाना चाहते हो, बेटा हमारी बेटी हमारी बात सुने। बच्चे को अगर जोर जबरदस्ती उसको उठा करके तुम स्कूल भेज सकते हो, क्या पांच मिनट नहीं बता सकते हो बेटा एक माला करके जाते? नहीं तो पांच मिनट ही गीता की कोई एक श्लोक और उसका थोड़ी सी पांच दस मिनट बैठ करके गीता भागवत थोड़ी सी इतना नहीं बोल सकते? बोलनी चाहिए कि नहीं बताओ? चाहिए ना। हाँ, अगर जीवन में सुख पाना चाहते हो, संसार में शांति रहना चाहते हो, इसलिए कहते ना घर में गीता हो, बहू जैसे सीता हो, राम जैसे बेटा हो। वो घर नहीं, वो क्या है? बोले भगवान की धाम है ये घर, तुम्हारी धाम। लेकिन तभी होगी घर के में अगर रामायण हो, अगर घर में गीता हो और भागवत हो। ठीक है ना? करोगे कि नहीं बच्चों ने? एक एक माला जब करोगे कि नहीं? और अपना बच्चों को क्या करवाना? बोले एक एक मैं जहाँ जाता हूँ ना, जहाँ जाता हूँ सारा दुनिया एक ही बात कहते हैं, मेरे बाबा बेटे बात नहीं सुनता। वो एक घर की बात नहीं, हम सारा दुनिया ढूंढता हूँ। बोले बाबा हमारा बच्चा बात नहीं सुनता, हर घर घर भी यही कहानी है। कारण है ये स्मार्टफोन पकड़वाया उनको, इंटरनेट टीवी फीवी उल्टा पुल्टा चीज में उनका मन लगा दिया, यही कारण है। ठीक है, अपना घर घर को क्या करो? भगवान की धाम, और घर को वृंदावन की धाम बनाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। कहती है तीसरा स्थान है, और जो चौथा स्थान है कहते जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा और प्याज लहसुन ये नहीं खानी चाहिए। इसको खाने से हृदय से दया की भावना समाप्त हो जाती है, और सबसे ये चारों में सबसे जो ज्यादा पाप बताया ये जीव हिंसा में, ये मांस मछली अंडा प्याज में सबसे ज्यादा दोष इसी में ही बताया। इसलिए कलयुग में जब उन्होंने चार जगह पर स्थान दे दिया ना, लेकिन ये कली खुश नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले कहां कहां मेरे घूमू, कौन शराब पी रहे हैं, कौन जुआ खेल रहे हैं, कौन मांस मदिरा, मैं कहां कहां ढूंढू? मेरे को एक जगह दे दो, मेरे को एक ही जगह दे दो जहां पर ये चीज मिल जाए। तब उन्होंने उनको सुवर्ण में स्थान दिया, ये पैसा में स्थान दिया। देखना ये जितनी अधर्म ये सारे पैसा वाला के पास है। मतलब शराब कौन पिएगा, वेश्या घर में कौन जाएगा, मांस कौन खाएगा, पांच पांच सौ हजार हजार रुपया एक एक किलो देकर कौन खाएगा, जुआ कौन खेलेगा? कभी जितने पैसा जहां पर ज्यादा पैसा आप देखना वही घर उतना बिगड़ा हुआ मिलेगा, वही घर उतना बिगड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन पैसा है, अगर हम ये गंदी चीज नहीं करते हैं, समझो भगवान की लक्ष्मी की बड़ी कृपा है, हम ये सारे खराब काम नहीं करते हैं। आप लोग बताओ, आप लोग लक्ष्मी की बहन कौन है बता सकते हो? लक्ष्मी का बहन कौन है? उल्लू है। लक्ष्मी का बहन कौन है? मतलब घर में जब लक्ष्मी आए ना, वो उल्लू को ऊपर बैठी करके आती है और हमें उल्लू बनाता है, मूर्ख बनाता है। लेकिन लक्ष्मी के और एक बहन, एक तो उल्लू है लेकिन उसका और एक बहन, आपको पता है और कौन बहन है? कहती है गरुड़ है। कौन है? हाँ देखो एक चीज को अच्छा तरह से समझो, आप देखना ये जो लक्ष्मी उल्लू को ऊपर में अकेली बैठती है। बोले ऐसे क्यों? बोले जो व्यक्ति लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, बोले क्यों बुलाते हैं? बोले माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले किसी लिए? बोले तेरे को हम भोग करेंगे, बोले खुद खाएंगे, तेरे को दुकान मकान बनाएंगे, तेरे को हम भोग करेंगे। लक्ष्मी बोली मेरे को भोग करोगी? मैं नारायण की हूँ, मेरे को भोग करोगे? ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो उल्लू को ऊपर बैठी करके आएगी, किसी घर के ऊपर उल्लू बैठी जाए ना घर को सत्यानाश कर देती है। फिर वो उल्लू के ऊपर बैठी करेगा, मेरे भोग करोगे तू? तेरे को हम दिखा देंगे कैसे तू मेरे को भोग करोगे। लेकिन जब लक्ष्मी को बुलाओ, बोले माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों? बोले आपको ठाकुर का सेवा भी लगा रही, क्यों? आप लक्ष्मी नारायण की हो, नारायण की सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए। फिर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आती है। आप देखना गरुड़ के ऊपर में माँ लक्ष्मी कभी अकेली नहीं,
पहले नारायण उसको पीछे लक्ष्मी, पहले नारायण उसको पीछे लक्ष्मी। बोले तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य है अगर लक्ष्मी को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, बोले वो घर घर नहीं, वो घर वैकुंठ, वो घर भगवान की धाम बन जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों बुलाओ, उसकी ठाकुर जी की सेवा करने के लिए घर में लक्ष्मी को बुलाओ, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बल श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उन्होंने ये नरक का वर्णना की। जब उन्होंने नरक का वर्णना सुनाए, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं जीव को कैसे वैसे वैसे दंड भोगना पड़ता है, हैं? जो शराब पीते हैं लोहे गला करके मुंह में डालते हैं, जो उल्टा पुल्टा मूवी देखते हैं उनको आंख निकाल लेते हैं, जो इसी हाथों में हेर फेर करते हैं अंगुल काट देते हैं। जब उन्होंने नरक की वर्णना की, परीक्षित महाराज डर गए, बल इतना दंड मिलता है जीव को, बोले हाँ, बल इससे मुक्ति होने का कोई उपाय है कि नहीं, बोले हाँ मुक्ति होने का उपाय है अगर हमने कोई पाप की। शास्त्र में बताया ऐसे पाप के लिए अगर आप ऐसे प्रायश्चित करोगे ना, फिर तो आपको पाप से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब ये बात बताए ना, परीक्षित महाराज प्रसन्न नहीं हुए, बोले क्यों, बोले ये जो प्रायश्चित है, जैसे पाप कर्म किया फिर हम क्या करते हैं, बोले भैया चिड़िया को थोड़ा दाना खिला दो, नहीं तो किसी दुखी गरीब ब्राह्मण को कुछ खाना खिला दो, फिर आकर फिर दोबारा वही पाप कर्म करेंगे। बोले ऐसे कोई उपाय है कि नहीं, जो हृदय से पाप करने का जो वासना है ये संपूर्ण रूप में खत्म हो जाए, बोले ऐसे कोई उपाय है कि नहीं, बोले हाँ ऐसे को उपाय है। बोले केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अभनव निष्णात निहार इव भास्कर। जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, सारे कोहरा अपने आप दूर हो जाता है, कि तो उसी तरह जब भगवान के नाम को हम ग्रहण करेंगे, हृदय का जो पाप का जो वासना यहाँ तक भी खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने एक कथा सुनाई, भगवान की नाम अगर किसी तरह से मुंह से निकले, बोले एक व्यक्ति था कान्यकुब्ज देश में जिसका नाम था अजामिल, ब्राह्मण घर में जन्म हुए, सारे सदगुण संपन्न, पत्नी कम उम्र की, देखने में अच्छी है, बड़ी बड़ी प्यारी। एक दिन उन्होंने गए थे जंगल में यज्ञ के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए, लेकिन उन्होंने गलती से एक गलती चीज देख लिया। क्या देख लिया, एक शूद्र और एक शूद्राणी दोनों शराब पी रखे और विवस्त्र होकर के दोनों मिल रहे। उन्होंने जब देखे ना, वो देखते रह गए, जैसे उनको हृदय में फटो खींच गई। जब उसने घर में आया, घर में ब्राह्मणी पत्नी बड़ी प्यारी, देखो ये असत संग का कितना बुरा प्रभाव है। एक बार उसने अच्छे ब्राह्मण घर में सारे सदगुण, लेकिन एक बार उसने गंदे चीज देख लिया तो बुद्धि खराब हो गया, अपना पत्नी को त्याग दिया और वो बेस्या सुद्राणी को साथ में रहना शुरू किया, उसकी हाथों में अमित कुमेद खाई। इसलिए देखो पहले पहले जो सिनेमा आती थी ना, जो बड़े बूढ़े आदमी को पूछो रामायण कृष्ण लीला महाभारत ये सब सिनेमा आती थी, लेकिन अभी जितना गंदी गंदी चीजें हुआ वही चलेगी। कोई भगवान की बार में आएगा तो चलेगी नहीं, भगवान की बार में आएगा तो नहीं चलेगी। और बोलेंगे देखो ये प्राप्त वयस्क के लिए, देखना वहां पर जितना अप्राप्त बच जाएगी हैं। और फिर इंटरनेट मोबाइल उल्टा पुल्टा चीज निकल करके फिर तो बच्चों का बुद्धि एकदम भ्रष्ट कर दिया। अजामिल जैसे व्यक्ति, इतने जितेंद्रिय व्यक्ति, अगर एक बार गंदे चीज देखने पर उसका हृदय दूषित हो जाए, हमारी बात क्या बता। अभी उसने उनको 8 बच्चे हुए,
लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम रख दिया नारायण। अब देखना छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। अभी वो बात बात कर बोलता है, बेटा नारायण इधर आ, बेटा नारायण मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। नारायण तू कहाँ बेटा, मेरे गोद में आ जा। जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, अभी बात बात में नारायण नारायण नारायण। अभी ऐसे करते करते उनका मृत्यु समय आ गया। और जो हम कर्म करते हैं, काय मन और वाक्य से ये सारे कर्म करते हैं, और मरते समय तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए, और जमदूत का भयंकर रूप देख करके बेटे को दूर में देखा और उसने जोर से बुलाया, बेटा नारायण। ये चार अक्षर है नारायण। इतने में चार वैकुंठ से विष्णु दूत आ गए और दूसरे तरफ से तीन जमदूत आए। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर बेटा का नाम, अगर भगवान का नाम रख दिया तो उसमें कितने फल है, कितने। देखो क्या तर्क वितर्क हो रहे हैं। जमदूत कहते हम ले जाएंगे, विष्णु दूत ने कहा तुम कैसे ले जाओगे, तुम लोग है कौन। बोले धर्म राजा का दूत। बोले धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे। बोले अधर्म किया, आपको पता नहीं ये व्यक्ति कौन है। ब्राह्मण घर में जन्म लिया था और एक शूद्रादि की चक्कर में पड़ करके पत्नी को त्याग दी और उसने चोरी गुंडागिर्दी डाकाये सारे बुरे कर्म किया उसने, और उसको हाथ में अमेध कुमेध भोजन किया, इसलिए सीधा नर्क जाएगा। विष्णु दूत ने कहा कुछ पुण्य भी तो किया। बोले क्या पुण्य किया। बोले अभी जो नारायण नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरते समय एक बार नारायण नाम ले लो, हो जाएगा, हो जाएगा इसी में। बोले मूर्खों तुम्हें क्या पता भगवान का नाम में कितने शक्ति है। जैसे रुई का कोई ढेर हो, नहीं तो भूसा का, आग की एक चिंगारी अगर उसमें गिर जाए ना, वो सब के सब जला करके राख बना देता है। भगवान के नाम में इतने शक्ति है। हरि से बड़ा हरि का नाम है। उसने जब बेटा का नाम केवल नारायण रख लिया था तब भी उसको सारे पाप मुक्त हो गया था, लेकिन जो बारंबार नारायण 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 बोला, जैसे हम माला में जप करते हैं माला, ऐसे ही उसको माला जप हो गया। और अंतिम समय में जो उसने नारायण का नाम लिया, ये भगवान की विशेष कृपा है। फिर जमदूत फिर आर्गुमेंट दिया। बोले भगवान को कब बुलाए थे, वो भगवान को कब बुलाया, वो तो अपना बेटे को बुलाया था। भगवान को बुलाया नहीं ना, अपना बेटे को बुलाया था। तब विष्णुदूत कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से जीव का कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे। बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है जैसे बेटा का नाम नारायण रख लिया, उसको बारंबार बोल बेटा नारायण इधर आ जा, नारायण मेरे लिए कपड़ा ले आ, इसको सांकेत्य कहते हैं। इसलिए आप देखना पहले जितने नाम आप पूछो, जितने बड़े गुरुओं का सब भगवान का नाम, सारे ठाकुर का नाम। इनका घर में जैसे पुकारा और क्या नाम है राम स्वरूप, सब किसी का सब नाम ऐसे है। सब माताओं का नाम लक्ष्मी दुर्गा गीता पहले सब ऐसे नाम, लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो टुन्नू बुल्लू टिक्की फिक्की। ये विदेश में जितने कुत्ते हैं ना, ये विदेश में सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम करवाते हैं। कहते नहीं हम तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे ना, हम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे, विदेश से अमेरिका भेजेंगे उनको हैं। इसलिए ये तो पुराना समय का नाम कृष्ण गोविंद था हैं। आप कभी वृंदावन में जाना, वहां पर अंग्रेजी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पूछना नाम कैसे, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश। लड़कियों का नाम पूछना राधे गीता सीता ललिता विशाखा चंपक लता, ये सब भगवान की, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो खा करके नफरत होकर के जो झूठे चीज को फेंक दिया, नफरत होकर के हम उसको उठा उठा कर खा रहे हैं। कहते नहीं हमारा सक्सेसफुल लाइफ है, इसलिए नहीं। हम लोग वृंदावन में रहते ना, हमारे बड़े गुरु जी का कुछ शिष्य लोग है, कुछ अमेरिका का रशिया का, जानते हो जब उनको वीजा खत्म हो जाती है वो इतने दुखी होते हैं। बोले भगवान हमें क्यों अमेरिका में जन्म दिया। वो दुखी होते हैं, वो वीजा बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं किसी तरह से वृंदावन में, और ज्यादा दिन थोड़ा रुक जाए क्योंकि यहाँ जिधर जाओ ना राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाम,
लेकिन हमारे देश में कहीं राधे कृष्ण का कहीं नाम नहीं, गुड मन नहीं, गुरु गुड भी नहीं। लेकिन हम अगर कोई हमारा बच्चा कोई व्यक्ति अंग्रेजी में थोड़ा बात कर लेना, अरे क्या अंग्रेजी में बोलता है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं हिंदी सीखने के लिए, वो लोग हिंदी सीखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम थोड़ा अंग्रेजी में कोई बोले ना बाबा रे बहुत बड़ा आदमी, नहीं अपना संस्कृति में अपना संस्कृति को रक्षा करनी चाहिए, हमें अपना हिंदी भाषा में बोलनी चाहिए, ऐसे नहीं अंग्रेजी भाषा में कोई बोलता अरे क्या नहीं। अब वृंदावन जाने पर आप ये चीज को पता चलेगा वो लोग कितने दुखी होते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अमेरिका में जा करके ना शायद ज्यादा पैसा रोजगार कर लेंगे ना, शायद हमें सुखी हो जाएंगे। देखो आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, हमारे बड़े गुरु जी जब अमेरिका गए थे, एक गुजराती बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसको घर में गए, उसका बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी बाड़ी दुकान मकान बहुत हाई फाई। देखो ध्यान देकर सुनो, जब हमारे बड़े गुरु जी उसको घर में गए, वो गुरु जी को पास में बहुत रो रहे थे, गुरु जी ने पूछा बेटा रो रहे थे उतर इतने बंगला गाड़ी बाड़ी इतना ठाड़ बार, बोले गुरु जी मैंने गुजरात छोड़ करके बहुत गलती कर दिया, मैंने सोचा था अमेरिका आकर के शायद ज्यादा पैसा कमा करके सुखी हो जाऊंगा, बोले फिर गलती किया हुई, बोले मेरे एक बेटा और एक बेटी है, बोले फिर अमेरिका का संस्कृति ये है जब बेटा 15-16 साल का हो जाएगा ना कोई व्यक्ति उसको घर में नहीं रखेगा, निकलो घर से निकलो अपना पैसा कमा अपना घर बना कर रहो, कोई नहीं रखेगा बेटा बेटी को, वहां की ये संस्कृति यही है। बेटा जब कुछ थोड़ा बड़ा हो गया 20 साल का, पता नहीं एक गर्ल फ्रेंड बनाया और ये गर्ल फ्रेंड को बना करके अभी कहां मेरे को पता नहीं मेरा बेटा कहां है, और मेरी बेटी थी कुछ दिन पहले मेरी बेटी बोली पिताजी अपना घर में अपना बॉय फ्रेंड को बुलाना चाहता हूँ पार्टी मनाऊंगा, पार्टी मतलब क्या शराब और गोमांस है, पिताजी ने मना की तो मेरी बेटी भी अपना बॉय फ्रेंड को लेकर कहीं चली गई। हम दोनों इतना बड़ा मकान, हम बूढ़ा बूढ़ी दोनों हा? अभी हम दोनों बैठे हुए, अगर भारत में रहता पैसा अगर थोड़ा कम होता तो कोई बात नहीं, बच्चे संस्कार बनते, घर में बहू आती नाती पोती होता उनको साथ में जीवन को बिताते ऐसे जीवन। अभी हमको दोनों को लास्ट में जा करके ओल्ड हाउस में हमें एडमिट, क्यों कोई है ही नहीं तो यहाँ पर ओल्ड हाउस में जाना हम पड़ेगा, वहीं पर पड़ा रहना पड़ेगा हैं, इतने दुखी हो रहे थे। इसलिए भैया पैसा में सुखी नहीं, सुखी है प्रेम से, भले ही कम पैसा हो अपना आपस आपस में प्रेम प्रीति हो उसमें ही आनंद है। इसलिए क्या करनी चाहिए बताओ, अपना भारत में रह करके भले ही थोड़ा पैसा कम हो अपना संस्कृति को लेकर के रहो और अपना परिवार को लेकर के रहो, उसमें शांति और उसमें सुख है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी बोले चार तरह से भगवान का नाम कल्याण करता है, उसने जो बेटा का नाम जद्यपि बेटा का नाम है लेकिन बेटा का नाम किया किसका नाम है, ये भगवान का नाम धराया गया, ये ठाकुर जी की नाम धराया गया इसलिए उसकी कल्याण हो गया। अभी जमदूतों को विष्णु दूतों ने मार मार करके भगा दिया, अभी जमदूत जा करके जम महाराज का चरण में जो टूटे फूटे अस्त्र थे ना उसको फेंक दिया, बोले आज से आपका नौकरी से हम रिजाइन दे रहे हैं। बोले क्यों क्या हो गया, बोले एक बहुत बड़ा पापी था, उसने इतना पाप किया पता नहीं अंतिम समय में जब गए वो चार हाथों वाले घर से आ गए और बुरी तरह से हमें मारे पीटे परास्त करके भगा दिया, आपका नौकरी भगवान नहीं करेंगे दुनिया में, हम तो सोच रहे थे दुनिया का हर्ता करता आप लो ये अस्त्र शस्त्र लो, नौकरी से हम रिजाइन दे रहे हैं। तब जब महाराज ने कहा ये बताओ वो मरते समय कुछ बोला था क्या, बोले हाँ क्या एक बार नारायण नाम लिया था, जब महाराज नारायण नाम सुनते ही वो तो वहीं पर बेहोश हो गए, जब होश आया बोले बड़े दिनों में भगवान के नाम हमें सुनने को मिला, अरे मेरे तो प्रभु का नाम लिया था, बोले प्रभु का नाम, हम तो सोच रहे थे आप ही दुनिया की हर्ता करता विधाता आपका भी कोई प्रभु, बोले मूर्खों तुमको क्या पता है मैं तो नौकर हूँ, मेरे प्रभु तो नारायण है, उन्होंने कृपा करके ये जम पोस्टमर्ग दिया है। देखो बच्चों जो भगवान की भक्ति करते हैं ना कभी भी उनको पास में मत जाया करो। तब उन्होंने पूछा हमें पता कैसे चलेगा, कुछ लक्षण बता दो
जिससे हमें पता चली जाए ये आपका भक्ति करने वाले। हरे कृष्णा सब ध्यान देकर सुनो, हरि बोल, ध्यान लगा कर सुनो इतनी सी बात, क्योंकि ये जब अपना दूतों को कहते हैं हमारी शरीर में इसे कौन सा लक्षण हो जिसको देख करके ये जमदूत कभी हमारे पास में नहीं आएंगे, ये स्वयं जम महाराज कह रहे हैं। कहते उनको शरीर में तीन लक्षण होगा, बोले तीन लक्षण क्या है, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। बोले पहला लक्षण होगा उनकी गले में तुलसी की कंठी होगी, क्या होगी, तुलसी की कंठी उनकी गले में होगी। हैं ये तुलसी कंठी कोई साधारण वस्तु नहीं है, हैं जब हमारे स्वामी महाराज अमेरिका में गए और वहां पर अंग्रेजियों को बोले गले में कंठी पहनो, बोले लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे घर में सोने चांदी हम लकड़ी क्यों पहनेंगे। तब उन्होंने विभिन्न वेद पुराण से बताया ये तुलसी है क्या चीज। तब अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, ध्यान देकर सुनो, रिसर्च किया ये हिंदू एक पेड़ है ना, ये पेड़ को हिंदू क्यों पूजा करते हैं, उसमें पानी देते हैं, देखना परिक्रमा करते हैं, सिंदूर लगाते करते हैं ना, कि कल भैया ये हिंदू लोग के पेड़ पूजा क्यों करते हैं। जब उन्होंने अमेरिका में रिसर्च करके देखा सबसे ज्यादा अगर कहीं मेडिसिन है ये तुलसी वृक्ष में। आप मेडिसिन शॉप से आज ही एक दवा ढूंढना उसका नाम तुलसी पावर, अब पूछना आपके पास है, देखना इतना बड़ा आपको बोतल मिलेगा, उसमें इतना बड़ा कि पेपर होगा, आज पढ़ करके मेरे को कल बताना। कर दो जो तुलसी पत्ता अगर कोई खाएगा ना कभी जिंदगी में टीबी कैंसर तुम्हें नहीं होगी, उसमें आंख के लिए कान के लिए नाक के लिए 200 बीमारी का नाम लिखा हुआ, बल्कि ऐसे कोई बीमारी नहीं जो कि ये तुलसी की जूस से सही नहीं होता है। अब रामदेव पातंजलि भी जाना जाकर देखना तुलसी बोतल वहां मिलता है, कैसे पेट साफ होगा, शरीर कैसे बीमारी वो तुलसी कैसे लोगे, अब भी वहां पर संग्रह कर सकते हो। इसलिए ये तुलसी में सारे मेडिसिन ये तुलसी में हैं। अगर गले में तुलसी कंठी हो तो क्या है, सारे मेडिसिन आपने धारण किया, स्नान करोगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगी, सारी बीमारी अपने आप निकल जाती है। और तुलसी ये लक्ष्मी देखे होंगे सालग्राम को साथ में शादी होती है कि नहीं, अगर गले में कंठी मतलब क्या हो गया, माँ लक्ष्मी की निवास हो गई। दूसरी चीज क्या है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके गए अपनी आप को कहाँ रख कर गए, बोले तुलसी। हम कहते हैं ना वृंदावन चलो, बोले क्यों बांके बिहारी, बोले क्यों वृंदावन में क्यों, बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी और बन मतलब तुलसी का बन, भगवान कहाँ पर है, बोले जहाँ पर तुलसी दिखे उसी में ही। गले में कंठी मतलब कौन कौन आ गए, लक्ष्मी नारायण आ गए। देखो इसका तीसरा रीजन सुनो, सबसे बढ़िया कारण है इसकी बहुत बड़ा साइंस ही है, हम इसको गले में क्यों पहनते हैं, इसको कंठी क्यों कहते हैं, देखो कितना बड़ा साइंस इसके अंदर में। शरीर का सबसे कोमल अंग ये कंठ है, किसी व्यक्ति को मारना है ज्यादा कुछ करने का नहीं, बस कितना गला दबा दो खत्म हो जाए, केवल गला दबा दो। इसलिए अंदर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है कंठ से, बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते कंठ में पहनाते। इसलिए अगर ये तुलसी कंठी रहेगी सारे मेडिसिन लक्ष्मी नारायण है, एक तरह का ये कवच का काम करता है, कोई भी गंदी चीज आएगी आपका शरीर के अंदर भी कभी भी प्रवेश नहीं करेगा, बोले क्यों ये तुलसी आपको रक्षा करेगी प्रोटेक्शन करेगी हैं। इसका चौथा कारण सुनो, जैसे भगवान को भोग लगाओ लेकिन अगर उसमें तुलसी पता नहीं दो, कितना छापान भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाही मानी, जितने भगवान को लो दो लेकिन तुलसी दल नहीं दोगे ना ठाकुर स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरह ये जो शरीर है मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश से बना हुआ, अंदर में टाटी पेशाब खून पीकर और कुछ है ही नहीं, लेकिन जब तब ये गले में कंठी नहीं पहनते हैं ये शरीर ठाकुर के चरण में समर्पित नहीं होता है। इसलिए वैष्णव धर्म में नियम है जब गुरु जी को पास में आओगे सबसे पहले गुरु जी तुम्हें कंठी देंगे, क्योंकि ये शरीर से आप ठाकुर को सेवा नहीं कर सकते जब तक कंठी नहीं पहने हो। जिसकी गले में तुलसी कंठी नहीं भले ही ठाकुर को सामने जो कुछ धर दो ठाकुर तुम्हारी हाथ का कोई चीज खाना नहीं खाएगी।
क्योंकि तुम्हारा शरीर ही अपवित्र है, टाटी पेशाब का थली मात्र ही, लेकिन कंठी से ही शरीर पवित्र बनता है, ठीक है ना। इसलिए जब महाराज सबसे बढ़िया बात बताए, बोले भैया पहचानेंगे कैसे भक्ति करता कि नहीं, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते? कितने तरह के? दो तरह के हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो पालतू कुत्ते हैं देखना गले में उसकी पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता भैया ये किसी घर के कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड पे घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए गले में अगर तुलसी कंठी होता हम कौन है बोलो? कंठी मतलब पालतू है, और कंठी नहीं तो फिर कौन है? आप बताओ पालतू बनोगे ना फालतू बनोगे? हाँ, इसलिए भगवान की हमें पालतू बननी चाहिए। इसलिए कंठी ये पहला नंबर, बोले दूसरा चीज बोले तिलक होनी चाहिए। आप लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे कोई बिजनेस में जा रहे हैं, हम क्या करते हैं? तिलक लगाकर बैठते हैं। बोले क्यों? तुम्हारी काम बन जाए। कोई युद्ध के लिए जाते हैं क्या करते हैं? तिलक लगाकर भेजते हैं, बेटा युद्ध में विजय प्राप्त करो। ये जो तिलक है ना, जैसे घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा, सबसे पहले क्या करेगा? क्या करता है देखे कि नहीं? जब तक ये तिलक नहीं लगाएगा ना, कोई भी पूजा नहीं करवाएगा। क्यों? तिलक के बगैर सारे पूजा निष्फल हो जाता है। इसलिए और हम लोग जो तिलक लगाते हैं ना, ये गोपियों की चरण धूलि द्वारका से आता है। ये जो दो है ना, देखो ये भगवान की दो चरण है ठाकुर जी के, उसका नीचे देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल देते हैं, उसका नीचे का भाग देखो जैसे तुलसी दल दिए हुए, मानो ठाकुर जी के चरण हमें तुलसी दिए हैं। इसलिए ये तिलक साधारण वस्तु नहीं, माँ जसोदा कृष्ण को रोज ये तिलक लगाती थी। अब भगवान की कहीं तस्वीर देखो, कहीं है कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं? तिलक है कि नहीं? राम को देखो तिलक है कि नहीं? राम का तो इतना बड़ा तिलक है। नारायण को देखे हो? कौन कौन नारायण का मूर्ति देखे हो? उनको मुंह तो देखना आधा मुंह तिलक में भरा हुआ होगा। हनुमान जी को देखे हो? तिलक है कि नहीं? सारे किसी देवता को देख लो, बगैर तिलक के कोई देवता भी नहीं रहते। तिलक की इतने महत्व है, इसलिए हमें तिलक लगानी चाहिए। एक बूंद नहीं, तिलक का नियम नहीं, तिलक का नियम उर्ध पंडर, जैसे नारायण लगाते हैं, जैसे राम लगाते हैं, जैसे कृष्ण लगाते हैं, जैसे हनुमान लगाते हैं, ऐसे तिलक होने चाहिए। ऐसे फोटा लगा दिया नहीं, तिलक का नियम उर्ध पुंडर, जो हमें भगवान तक ले जाए। उर्ध पुंडर मतलब हमें जो उर्ध में भगवान तक ले जाए, ठीक है ना। इसलिए सबके सब क्या करना, गले में कंठी, तिलक, दो चीज हो गया। और तीसरा चीज क्या है? भगवान की नाम, भगवान की नाम। देखो जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हो, नहीं तो लंदन जाना चाहते हो, कोई विदेश जाना चाहते हो, आपको पास में तीन चीज की जरूरत है तभी आप विदेश जा सकते हो। बताओ तो वो तीन चीज क्या है? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। तुम्हारे पास में तीन चीज होगा ना, इसी जगत में भी अगर आप विदेश जाना चाहते हो तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। बताओ तो क्या क्या तीन चीज होनी चाहिए? हाँ, क्या क्या होनी चाहिए? पहला नंबर पासपोर्ट होनी चाहिए, दूसरे नंबर में वीजा होनी चाहिए, और तीसरे नंबर में टिकट होनी चाहिए। इसी जगत में अगर तुम विदेश जाना चाहते हो तब तीन चीज की जरूरत है। उसी तरह जब ठाकुर को पास में जाना चाहते हो तीन चीज की तो जरूरत है ही है। पहला नंबर क्या है? पासपोर्ट। बोले पासपोर्ट किया? बोले गले में कंठी। बोले वीजा किया? बोले तिलक। बोले टिकट किया? बोले भगवान की नाम, भगवान की नाम। इसलिए कली युग के बोले नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पर। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार आप लोग जोर से बोलो, मैं सुनूंगा। हरे राम हरे राम 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 हरे, बस ये हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री राम। बामन भगवान बने, बन गए बामन भगवान, बन गए ना। हाँ, उनको ले आओ, दो मिनट में ले आना। फिर कृष्णा और मैया जसोदा, नंदा और कृष्ण कहाँ है? नंदा बाबा कौन बने हैं? नंदा बाबा बने हो, और मैया जसोदा कहाँ गई? ठीक है, अब बैठो, पांच मिनट बाद में जाना पड़े, ठीक है। और किसी बच्चे को कृष्ण बनाया? किसी बच्चे को, किसको कृष्ण बनाया कि नहीं? किसी को बनाया? कृष्ण, ठीक है। जब मैं बोलूंगा ना, बामन भगवान वहीं खड़े रहो,
मैं